मैम जी की, और यहाँ पर मैंने कुकिंग करने स्टार्ट कर दी है टिफ़िन सर्विस के लिए। और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ हमेशा मैं, तो वही टिफ़िन सर्विस में यूज़ कर रही हूँ। ऑयल डालने के बाद में जीरा तड़कने के बाद में प्याज ऐड करके, और टमाटर भी, हाँ टमाटर नहीं डाले थे आज, टमाटर काफ़ी महंगे हो रखे हैं ना, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थे सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैंने सब्जी मसाला डाला है। और वो सब डालने के बाद में डाल दी इसमें तोरई, और अब इनको ज़्यादा मात्रा में थी ना, तो अब इनको थोड़ी देर के लिए मिलाना पड़ेगा। उसके बाद में वैसे तोरई जो होती है वो पानी छोड़ देती है, लेकिन बीच बीच में तो चेक तो करना ही पड़ता है, पानी छोड़ती है तो भी बीच में चेक करना पड़ता है। और ये बीच बीच में से अगर नहीं चलाएंगे तो पैंदा जो है ना वहाँ पर चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब इस तरीके से कुछ प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि कस्टमर के पास इस तरीके का खाना न जाए जिससे कि वो शुरू में ही पहली टिफ़िन सर्विस में बंद कर दे। और यहाँ पर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि नया नया काम शुरू हुआ है तो चेक करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये साइड में सब्जी में तड़का लग गया, अब मैं इसको साथ साथ चेक करती रहूँगी, और साथ साथ मैं उधर दूसरा जो बर्नर है उस पर दाल में तड़का लगा लूँगी। और डेली का मेरा यही काम रहता है, पहले मैं एक साइड में दाल बॉईल होने के लिए रखती हूँ, दूसरी साइड में मैं चावल बॉईल होने के लिए रखती हूँ। जीरा राइस बनते हैं डेली, जो मेन्यू है मेन्यू में जीरा राइस है, तो जीरा राइस मेरे बन चुके हैं, दाल बॉईल हो चुकी है, अब उसमें साइड में पतीले में इसमें दाल में तड़का लग रहा है। और मैंने जीरा डालने के बाद में अभी ये लहसुन डाल दिया, अभी डालूंगी करी पत्ते, और करी पत्ते में आयरन होता है, आप लोग भी ज़रूर कोशिश करना जो भी सब्ज़ी बनाओ उसमें करी पत्ता ऐड करने की। तो यहाँ पे लहसुन डाल दिया, और लहसुन डालने के बाद में करी पत्ता इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर पहले डाल देती हूँ तो वो जल जाता है और तेल ज़्यादातर छिटक के बाहर आ जाता है, तो अभी मैंने इसमें करी पत्ता ऐड कर दिया है। और करी पत्ता ऐड करने के बाद में इसमें जाएगी प्याज, और टमाटर इसमें भी नहीं जाएगा। और ये सब डालने के बाद में फिर जैसे ही मसाला पककर तैयार हो जाएगा, मसाला डाल दूंगी इसमें, वो मसाला पककर तैयार हो जाएगा, फिर ये सारा तड़का जाएगा कुकर के अंदर। और यहाँ पर टिफ़िन सारे धो कर के रख दिए हैं, जो भी टिफ़िन शाम को वापस आते हैं उनको धो कर के मैं शाम को यहाँ रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए अच्छे से। और ये साइड में सब्जी जो है वो बन गई थी उस टाइम पे जहाँ जब ये कैप्चर किया जा रहा था, दाल भी बन चुकी थी, दाल का कुकर भी नीचे जा चुका है, वहीं बैठ कर के सारा पैक किया जाएगा क्योंकि खड़े खड़े ना पैर दुखने लग जाते हैं। और इधर मैंने रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दी हैं, और जैसे ही 50% रोटियां मेरी सीख जाएंगी, जैसे 10 टिफ़िन है आज ऑर्डर पर, तो 5 टिफ़िन की रोटियां जैसे सीखेंगी उसके बाद में नैनी के पापा उनको पैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर लेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि बाद में वो रोटियां ठंडी हो जाती हैं, तो ठंडी होती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो पहले ही हम 50% रोटियों को सेकने पर ही उसको पैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही होना भी चाहिए ताकि जैसे शुरू में हम काम करना है, वैसे लास्ट तक हमेशा जब तक काम करना है सर्विस जितनी हो सके उतनी अच्छी ही देने की कोशिश करनी चाहिए। और पहली रोटी जो है वो मेरी सीख चुकी है, उससे लगेगा भोग भगवान जी को, नैनी के पापा भोग लगाएंगे, तो वो भोग लगाएंगे जब तक मैं बाकी की रोटियां भी सेक लूँगी, कम से कम 8-10 रोटियाँ सीख चुकी होंगी, और तब तक वो सारे टिफ़िन वगैरह अरेंज कर लेंगे, सुखा करके रख लेंगे, सब्जियां भरनी स्टार्ट कर देंगे, और सब्जियां भर के फटाफट से उनमें रोटियां पैक हो जाएंगी, और इस तरीके से हम दोनों मिल करके बहुत जल्दी ये काम फिनिश कर लेंगे। उन्होंने टिफ़िन पैक करने स्टार्ट कर दिए हैं, 4 टिफ़िन पैक हो चुके हैं, 3 ये सामने रखे हैं, चौथा वो उधर है जिसमें दोनों जो दो खंड हैं इसके उसमें रोटियां हैं, चावल इसमें नहीं है, तो इसको थोड़ा अलग रखा है ताकि उसी कस्टमर के पास पहुंचे जिसका ये टिफ़िन है जिसने रोटियां ही खानी है। और लाइट चली गई थी, देखो लाइट अंधेरे में पैकिंग हो रही थी, अभी लाइट आई है। इस टाइम पर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जैसे खाना पका रहे हैं और खाना पकाते पकाते लाइट चली जाए तो काफ़ी परेशानी होती है, इस टाइप की दिक्कतें आती हैं ना, तब थोड़ा सा मन उदास भी हो जाता है कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इन्वर्टर लाने का बजट भी नहीं है और ऑर्डर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अगर सही तरीके से साथ दिया भगवान जी ने, क्योंकि हम यहाँ पर मार्जिन भी कम ले रहे हैं ताकि अच्छी सी मार्केट बनाई जा सके, तो सही तरीके से अगर चल गया तो फिर इन्वर्टर लेके आएंगे। और यहाँ नैनी ने देखो
पीछे से जब हम कुकिंग कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया उसका, मेरा ध्यान उधर गया। उसने बेड अरेंज कर दिया है, सारा बेड झाड़ पोछ के और जो भी कुछ उस पर था वो हटा करके चादर सही कर दिए। मेरी बिटिया बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है छोटी सी उम्र में देखो, और उसने देखो कपड़े भी फोल्ड करके रखे हैं। इस टाइप की चीज़ें देख के थोड़ा सा मन, एक तो थोड़ा सा दुखी भी होता है कि छोटे छोटे बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, लेकिन खुश भी होता है। यहाँ उसने जो मैंने चप्पलें धो करके रखी थी उसने वो यहाँ अरेंज कर दी कि मैं मॉर्निंग में यूज कर सकूँ। तो खाना पूरा बन गया और नाइट के 7:30 बजे हैं, मतलब इवनिंग के, और यहाँ देखो आप पैक भी हो चुका है, अभी पैकिंग शुरू है। मतलब 4 टिफिन पैक हो चुके हैं, 4 और पैक होने हैं, वो भी पैक करेंगे अभी। और किचन में कुछ ऐसा हाल है जो कि मुझे पूरा साफ करना है और पसीने में तर बतर हैं, लेकिन दोनों साथ मिलके ये पैक करेंगे और मैं ये किचन साफ़ करूँगी, हो जाएगा फटाफट से। फिर ये जब तक टिफ़िन दे के आएंगे तब तक मैं हम लोगों की रोटियां सेक लूँगी, मतलब हमारी रोटियां सेक लूँगी नहीं, मतलब लगा लूँगी खाना, फिर खाना खा लेंगे हम लोग भी और जल्दी से सारा काम फिनिश। और यहाँ पे ये चावल थोड़े से ऐसे लगे थे, इनको रख दिया। तो ऐसे कुछ लाइफस्टाइल होती है शाम को हमारी, पहले सारे टिफ़िन आते हैं फिर उनको धोना पड़ता है। तो शिवांश नैनी शोर मत करो, तो धो के मैंने यहाँ पर इसलिए सुखाया ताकि, मतलब शायद कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि नीचे बर्तन रखे हुए हैं तो ऊपर जगह प्लेटफॉर्म पे उतनी नहीं होती। जब कुकिंग करने का टाइम होता है ना तो पूरा प्लेटफॉर्म भर जाता है सब्जी से, काटने मतलब सब्जी काट कर रखते हैं उन प्लेटों से, और मतलब जो भी बर्तन होते हैं कुकिंग से रिलेटेड उनसे पूरा प्लेटफॉर्म भरा रहता है। अभी थोड़ा सा खाली दिख रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने परात वगैरह हटा दी, ज़्यादातर सामान मैंने हटा दिया, बस क्लीनिंग बाकी है और जो बात बर्तन दिन में है सामान वो बाकी है और ज़्यादातर हो गया। इस टिफिन में एक चावल पैक हुए थे लेकिन उन भैया का फ़ोन आया कि उनको, इनके पापा के पास फ़ोन आया कि उनको चावल नहीं लेने, उनको रोटियां ही एक्स्ट्रा चाहिए, तो रोटियां एक्स्ट्रा डाली हैं। और ऐसी ही चल रही है मेरी लाइफ, कुछ देखते हैं कितने दिन चलती है, कितने दिन बाद सक्सेस होती है, शायद भगवान साथ देंगे। अब आस बन गई है, मतलब कुछ भगवान साथ देने लगे हैं, भगवान जी तो साथ वैसे हमेशा ही रहते हैं लेकिन अब मन को तसल्ली मिल रही है कि हाँ भगवान जी साथ हैं, सब कुछ सही होएगा। तो जैसा था आधा अधूरा, जैसा व्लॉग था मेरे से शूट हुआ, मैंने शूट किया उतना, क्योंकि काम बहुत हो जाता है आजकल, एकदम थक जाते हैं शाम तक, इतना काम हो जाता है। और हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, मार्केट गए थे ना दिन में, मार्केट गए थे तब ये और लेके आए हैं हम, क्योंकि दिन के जो ऑर्डर होते हैं ना वो बहुत होते हैं, उनमें खाना छोटे बर्तनों में बिल्कुल नहीं बन पाता, तो एक कढ़ाई और एक पतीला तो होना ज़रूरी है, तो एक ये पतीला लेके आए। और हाँ जैसा मेरे से सूट हो रहे थे वीडियो मैंने किए, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं आते। और इस तरीके से कोशिश करूँगी मैं थोड़ा थोड़ा सा, मतलब क्लिप निकालने की बीच में थोड़ा थोड़ा सूट करने की, अगर अच्छा सूट होएगा तो आपकी मर्जी, मेरे से जैसा हो सकेगा जितना 100% उतना मैं मेरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और अपने लाइक के थ्रू मुझे बता देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो इस वीडियो का हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि मैं पूरी किचन अरेंज कर लेती हूँ अभी, और जब तक ट्राईपॉड मेरा नहीं आएगा तब तक इसी तरीके से ही शूट किया जाएगा। अगर ट्राईपॉड होता तो मैं, एक मिनट रुको, अगर ट्राईपॉड होता तो मैं वहाँ लगा के छोड़ देती, सब कैप्चर हो जाता, लेकिन ट्राईपॉड नहीं है ना तो फ़ोन का एंगल सेट नहीं होता, फिर एंगल सेट नहीं होता तो अच्छे से शूट नहीं हो पाता, फिर ऐसी आड़ी टेढ़ी ऐसी क्लिप से क्या फ़ायदा। इसलिए ट्राईपॉड जैसे थोड़ा सा, मतलब ये सही आएगा, हाथ सही होएगा, तब मैं ट्राईपॉड लेके आती हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मतलब जब तक अगला वीडियो ना आए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ कमेंट जरूर करना, अब अगर, मतलब मैं ये नहीं कह रही आप अच्छे कमेंट करो, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी लग रही है तो वो कमेंट भी आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, मैं ये सारा क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है, बाय।